क्लास फोर EVS चैप्टर 7 फ्रॉम द विंडो. हेलो चिल्ड्रेन, हाउ आर यू? टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर 7 फ्रॉम द विंडो विच इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू उमाना जर्नी. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल एंड कल्चरल फीचर ऑफ मडगांव विच इज इन गोवा. बच्चों, गोवा के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बातें महाराष्ट्र के बारे में जानेंगे. महाराष्ट्र इंडिया का एक स्टेट है जो वेस्ट डायरेक्शन में है. महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, जिसे इंडिया का इकोनॉमिकल कैपिटल भी कहा जाता है. महाराष्ट्र में गेटवे ऑफ इंडिया, चीनी महल, चार मीनार और मेरिन ड्राइव है, जो कि टूरिस्ट प्लेस है. महाराष्ट्र की लैंग्वेज मराठी है. महाराष्ट्र भारत का एकमात्र स्टेट है जिसमें दो मेट्रो सिटी है, एक तो मुंबई और दूसरा पुणे. बच्चों, क्या आप जानते हैं कि एशिया की सबसे पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच 16 अप्रैल 1853 को शुरू हुई थी? महाराष्ट्र का नागपुर एकमात्र ऐसा शहर है जो किसी की राजधानी नहीं है, पर इसमें फिर भी RBI के ब्रांच हैं. यहाँ का फेवरेट फेस्टिवल गणेश उत्सव है. यहाँ के लोगों का फेवरेट फूड पाव भाजी, बड़ा पाव और पूरन पोली है. तो चलिए बच्चों, अब हम लोग गोवा के बारे में पढ़ेंगे. बच्चों, क्या आप जानते हैं कि गोवा भारत का सबसे सुंदर स्टेट है, जो कि चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है. गोवा भारत का सबसे छोटा स्टेट है और यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत कम है. गोवा एक समुद्री तट है जो कि वर्ल्ड में बहुत ही फेमस है, इसलिए देश विदेश के लोग गोवा में हॉलिडे मनाने आते हैं. यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि गोवा एक टूरिस्ट प्लेस है. गोवा का सबसे सुंदर और फेमस समुद्री तट का नाम कोलवा बीच है, जो कि साउथ भाग में स्थित है. यहाँ की सुंदरता बहुत ही मनोरम है. गोवा में बेसिकली कोंकणी और मराठी बोली जाती है. गोवा की कैपिटल पणजी है, जो बहुत ही अट्रैक्टिव है, जहाँ टूरिस्ट घूमकर अपने आप को चीयरफुल फील करते हैं. पणजी, जो कि गोवा की राजधानी है, वो मांडवी नदी के तट पर स्थित है, जिससे गोवा की ब्यूटी और भी सुंदर दिखाई देती है. बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मांडवी नदी के ऊपर जो पुल बना हुआ है, अगर आप उसको देखेंगे तो आप भी अपने जीवन में आनंद फील करेंगे, क्योंकि ये पुल बहुत ही अट्रैक्टिव और अद्भुत है. अब मैं आपको गोवा के फेस्टिवल के बारे में बताने जा रही हूँ. यहाँ का फेमस फेस्टिवल है सिमगा, गणपति उत्सव, दिवाली और दशहरा, जिसे लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं. गोवा के फेवरेट क्लॉथ्स नवाड़ी साड़ी होती है, जिन्हें लेडीज़ बहुत ही हैवी ज्वेलरीज के साथ पहनती है. अब हम लोग गोवा के फेवरेट फूड के बारे में जानेंगे. क्रैब गोवा का फेवरेट फूड है, या हम ये कहें कि सी फूड ही यहाँ का फेमस फूड है, जो कि कोकोनट ऑयल में बनाए जाते हैं और इसमें स्पाइसेस भी काफ़ी क्वांटिटी में डाला जाता है. यहाँ मोस्टली नॉनवेज फूड मिलते हैं. अगर कोई वेजिटेरियन लोग वहाँ जाते हैं तो उन्हें खाने की परेशानी होती है. एट लास्ट हम यह कह सकते हैं कि गोवा प्रकृति का दिया हुआ एक अनुपम गिफ्ट है, जो कि भारत के लोगों के लिए बहुत ही प्राउड की बात है. थैंक यू.